हेलो दोस्तों, स्टैटिक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है अधिशोषण का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग या उपयोग, दोनों बात एक ही होता है। तो पहला अनुप्रयोग है, आप याद रखेंगे, ऊंच निर्वात करने में मतलब बहुत ज़्यादा आपको भय कम उत्पन्न करना है तो वहाँ पर आपको अधिशोषण का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा उपयोग है गैस मास्क में किया जाता है। अब ये बात, गैस मास्क क्या होता है, तो देखिए, मतलब कोयला के खदानों में जो लोग काम करते हैं वो एक तरह का मास्क लगाए रहते हैं, जो ही क्या होती है कि चारकोल से निकलने वाली जहरीली गैसों को अधिशोषित कर लेती है, और उसी मास्क को बोला जाता है गैस मास्क। यानी गैस मास्क में किसका उपयोग होता है, तो अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा है औषधि के रूप में, किया जाता है। औषधि के रूप मतलब कोई कीटनाशक बनाया जाता है और उस कीटनाशक से हम लोग क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारा जाता है। नेक्स्ट है क्या हमारा, कि बिलियनों से रंजकों को हटाने में भी अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। बिलियनों से रंजक को हटाने में भी अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में किसी बिलियन का, दूसरा बिलियन का धब्बा लग गया है, तो उस धब्बा को दूर करना होगा, तो वहाँ पर हम अधिशोषण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विषमांगी उत्प्रेरण में करते हैं। किसमें करते हैं जी, विषमांगी उत्प्रेरण। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरण वर्ड क्या होता है, तो देखिए ये एक वर्ड है उत्प्रेरण। ये जो उत्प्रेरण वर्ड है ये उत्प्रेरक से आया हुआ है। किसे आया हुआ जी, उत्प्रेरक। तो एक रिएक्शन चलता है, नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से हम कराते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया, और ऐसे नाइट्रोजन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो जो अमोनिया बनता है, तो यहाँ पे कोई उत्प्रेरक नहीं होने के कारण ये रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होती है, तो इसी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, और उस उत्प्रेरक का ही नाम दिया गया है विषमांगी उत्प्रेरण। और वहाँ विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में कार्य कौन करते हैं भाई साहब, तो वो होते हैं आयरन। कौन होते हैं जी, आयरन। यानी कि अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरण का, विषमांगी उत्प्रेरण का उपयोग किया जाता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। आगे पॉइंट देखते हैं हम अपने, तो झांग प्लवन विधि में किया जाता है। अब झांग प्लवन विधि क्या होती है, तो देखिए इस विधि में अधिशोषण का उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले किस अयस्क के लिए करते हैं ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ये सल्फेट अयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है, और ज़्यादातर सल्फेट जो अयस्क मिलते हैं वो कपर के मिलते हैं, यानी कि कपर सल्फेट के अयस्कों का सांद्रण किसे करते हैं, तो झांग प्लवन विधि से किया जाता है। और झांग प्लवन विधि में किसका अनुप्रयोग किया जाता है, तो अधिशोषण का अनुप्रयोग किया जाता है। चलिए अधिशोषण के अनुप्रयोग को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने आपको बताया अधिशोषण का अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है ऊंच निर्वात उत्पन्न करने में। दूसरा पॉइंट बताया गैस मास्क में उपयोग किया जाता है। गैस मास्क में मैंने बताया क्या, कि कोयले के खान में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक तरह का मास्क लगाए रहते हैं, जो कोयले से निकलने वाली जहरीली गैसों को अधिशोषित कर लेती है, और उसी तरह के मास्क को गैस मास्क कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमने बताया औषधि के रूप में, तो औषधि के रूप में जैसे कीटनाशक बनाया जाता है, और वो कीटनाशक क्या करते हैं कि कीटाणुओं को मारते हैं। चौथा पॉइंट बताया बिलियनों के रंजकों को हटाने में, अगर किसी बिलियन है और उसमें कोई रंजक, दूसरा रंजक लेप लग गया है, तो उस लेप को अधिशोषण के उपयोग से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि विषमांगी उत्प्रेरण में किया जाता है, तो विषमांगी उत्प्रेरण में आयरन का उपयोग किया जाता है अमोनिया बनाने में। नेक्स्ट हमारा झांग प्लवन विधि में किया जाता है, अधिशोषण का उपयोग झांग प्लवन विधि में करते हैं, और झांग प्लवन विधि में किस अयस्कों के लिए करते हैं, तो सल्फेट अयस्कों के लिए करते हैं। सल्फेट अयस्कों के लिए किसमें करते हैं, तो कॉपर सल्फेट के लिए ज़्यादातर किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।